बिसमीम् असल आई एम डॉक्टर मरियम खान आई एम वर्किंग इन सैदा ख़ातून जन्नत एज ए डेंटल सर्जन आई एम इन दिस फील्ड सिंस लास्ट नाइन ईयर्स एंड टुडे माय टॉपिक और क्वेश्चन इज़ दैट दांतों की वजह से मुंह से स्मेल क्यों आती है फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई हैव टू टेल यू के मुंह से स्मेल आना इन डेंटिस्ट्री इज़ डिफ़ाइंड एज हेलीटोस या ओरल मेल अडोर जिसे कहते हैं मुंह से स्मेल आती है हेलिटोसिस को हम डिफाइन करेंगे एज अनप्लेजेंट और ऑफेंसिव ऑर्डर कमिंग फ्रॉम माउथ वेदर इट इज फ्रॉम ओरल ओरिजिन और नॉन ओरल ओरिजिन नाउ सेकेंडली मुझे इसे क्लासिफाई करना है कि हम ओरल मेल अडोर या हेलिटोसिस इसको कितनी टाइप्स में डिफाइन करते हैं इसकी थ्री बेसिक टाइप्स हैं जिसे कहते हैं जेनरल या जेनुअन हेलिटोसिस सेकेंडली इडियोपैथिक या सूडो हेलिटोसिस और हेलिटोफोबिया। सूडो हेलिटोसिस एज द नेम सजेस्ट ये एक सिर्फ पर्सन uh, को अपेरेंट apparent, अपेरेंटली ऐसे लगता है कि मेरे मुंह से स्मेल आती है लेकिन स्मेल नहीं जेनुअली आती सेकेंड टाइप हेलिटोफोबिया पेशेंट इज फियर ऑफ हैविंग बैड स्मेल इन द हर माउथ नाउ विल डिस्कस दर्ड वन दैट इज मोस्टली लाइकली हैविंग मोस्ट लाइकली पेशेंट देट आर नाइनटी परसेंट ऑफ द केसेज देट आर प्रेजेंट इन आवर सोसाइटी दैट इज जेनवन हेलेटोसिस इसके अंदर फर्दर टू टाइप्स हैं फिजियोलॉजिक एंड पैथोलॉजिक फिजियोलॉजिक के नाइन्टी परसेंट केसेस के अंदर हमें जो एज द नेम सजेस्ट कि हम रात को सोते हैं सुबह उठते हैं तो हमें अपना स्मेली माउथ लगता है दैट कैन बी ड्यू टू स्पाइसिस जो हम ईट करते हैं जो हमारी हाइजीन नहीं ठीक टोबैको है स्मोकिंग है इस तरह की टाइप्स की वजह से इसे कहते है, Then, second type is pathological. हैं फिजियोलॉजिकलेटोसिस दैन सेकेंड टाइप इज पैथलॉजिकल उसके अंदर फर्दर टू सब डिविजन्स हैं देट आर इंट्रा औरल एंड एक्स्ट्रा औरल इंट्रा औरल नाइनटी परसेंट ऑफ द केसेज उसके अंदर ये है कि हम हाइजीन नहीं अपनी मेनटेन करते ब्रशिंग नहीं करते ठीक तरह से जल्दी जल्दी करके पूरा हाइजीन हमारी हो जाती है हमें पे पेराडोंटल प्रॉब्लम्स होते हैं गम्स ब्लीड करते हैं जिसकी वजह से स्मेली माउथ हो जाता है बहुत सारे केसेस के अंदर टंग के ऊपर कोटिंग हो जाती है जिसकी वजह से स्मेल प्रोड्यूस होती है हमारे मुंह से जिसकी वजह से पेशेंट कहते हैं मेरे मुंह से स्मेल आती है हमें अपनी टंग क्लीनिंग के लिए टंग स्क्रैपर्स होते हैं टूथब्रश के पीछे मार्क्स होते हैं उससे हमने सही तरह टंग स्क्रैप ऑफ करनी होती है फिर आ गई एक्स्ट्रा औरल कॉजे उसके अंदर होता है जनरल जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है एक्स्ट्रा औरल उसके अंदर कोई मेदे का मसला जिस तरह स्टमक प्रॉब्लम जीआईटी प्रॉब्लम रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत सारे ओवरलैप करते हैं जिसकी वजह से स्मेली माउथ हो सकता है नाउ कम्स थर्डली सब हेडिंग कि ये किस वजह से होता है कॉज इसकी क्या है उसके अंदर ये कि जब हम खाना खाते हैं बहुत लेम एंड टेमिनोलॉजी यूज करके ताकि आप लोगों को समझ आए उसके अंदर ये कि रिजल्ट ऑफ बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन कि हम खाना खाएंगे उसके अंदर बैक्टीरिया होता है हमारे सलाइवा में वो इसे डिकम्पोज करेगा डीकम्पोज करता है तो दो सब्सटेंस रिलीज होते हैं वॉलाटाइल सल्फर कंपाउंड और नॉन वालाटाइल सल्फर कंपाउंड इससे स्मेल प्रोड्यूस होती है इन दोनों की कॉजे हो सकती हैं या ये लोकल कॉज की वजह से हो सकता है या सिस्टेमिक कॉज ओवरलैप करती है वो लोकल कॉज में वही कॉज है या ओरल रिलेटेड रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम या कोई वालाटाइल फूड स्टफ हमने खाया जिसमें कोई भी कोल्ड ड्रिंक बेवरेजेज़ कैफ़ीन को यूज़ करना टोबैको स्मोकिंग सिस्टेमिक में रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स आ गए या डायबेटिक कीटो एसिडोस ख़ुदा न खास किसी को लिकीमिया या इस तरह की को systemic, कोई सिस्टेमिक कोई डिजीज़ है जनरल जो ओवरलैप करके मेलाडोर कॉज कर रही है हम इसे किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं कि हमारे पास पेशेंट आया है उसको मेलाडोर या हेलीटोसिस है उसके अंदर ये है कि हम स्लाइवरी ओडोर टेस्ट करते हैं और गैनोलेप्टिक टेस्टिंग करते हैं या गैसक्रोमेटोग्राफी करते हैं

ट्वाइस अ डे ब्रशिंग करनी है रात को सोने से पहले सुबह नाश्ते के बाद फ्लॉसिंग आपकी प्रॉपर हो लिमिट करें आप फूड के अंदर जो स्पाइसेस हैं जो ऐसी चीज़ें जिससे स्ट्रॉन्ग स्मेल स्ट्रॉन्ग ऑर्डर प्रोड्यूस होती है और आपने ज़्यादा फाइब्रस फ्रूट अपने ऐड करने हैं अपनी डाइट में जैसे कैरेट्स हो गई इससे भी स्मेल वगैरह सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं उसके अलावा शुगर फ्री गम्स होती हैं वो हम च्यू कर सकते हैं नाउ आई सम माई discussion with the treatment methods we have adopt to uh, end up halitosis or bad smell. Treatment methods mein three methods generally use hote hain mechanical, chemical and rendering volatile gases to normal. Mechanical methods में uh, we suggest proper tooth brushing techniques जो कि जब आप visit करेंगे dentist को हमें visit करेंगे फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से proper visit करते हैं क्या angulation है किस तरह से brushing होती है इंटरडेंटल ब्रशिंग होती है जहाँ से टुथब्रश सही तरह नहीं पहुँच सकता वहाँ इंटरडेंटल ब्रश यूज़ करते हैं फिर केमिकल मेथड्स आते हैं उसके अंदर क्लोरोहेक्सिडिन माउथ वॉशिज़ यूज़ हो सकते हैं माउथ वाशेज़ डिफरेंट ब्रांड्स के कंपनी में अवेलेबल हैं लेकिन हम देख के लिख के पढ़ के ले सकते हैं कि क्लोरोहेक्सिडिन जिसमें हो उससे मेलाडोर प्रोड्यूस नहीं होगी पेशेंट्स के अंदर फिर शुगर फ्री गम्स लोजेंजेस एंड मैनी अदर माउथ वाशेज दैट आर बेटर इन आर कंपनीज are available in uh, our society then any question related to this topic you can free to uh, ask me in the comment section and don't forget to subscribe our channel thank you